हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है एक SMDB है। तो यहाँ से जो है हमारा कुछ इक्विपमेंट है, जो पावर का इक्विपमेंट है, जैसे किचन वगैरह में और ड्रायर वगैरह जो है, जो भी हमारा पावर का इक्विपमेंट है, यहाँ से सप्लाई गया हुआ है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसमें जो है अलग अलग जो है ब्रेकर लगा हुआ है। तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये ब्रेकर को आप लोग कैसे पहचान सकते हैं, कौन सा ब्रेकर किसके लिए यूज हो रहा है, और इस ब्रेकर का नाम आप लोग जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर आप लोग देखेंगे तो ये एक जो है MCCB लगा हुआ है, यानी MCCB मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये मेन इनकॉमर में आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, फिर यहाँ से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं 250 एम्स का है, एम्पियर का है, यानी मेन इनकॉमर में यहाँ से जितना भी सप्लाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अगर 250 से ज़्यादा होगा तो ये जो होगा ट्रिप हो जाएगा। तो इसके लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है इनकॉमर जो है सप्लाई आया है बस बार के थ्रू, ये जो है पूरा जो है पावर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वैसे जो आप लोग देखेंगे सेम उसी सप्लाई में से ये भी है, आप लोग देख सकते हैं बस बार के थ्रू जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो है, आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, MCB है। आप लोग देख सकते हैं 3-pole MCB है, 3 इसमें है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर जितना भी है 3-pole MCB है। तो ये MCB का अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो सिंबल बना हुआ है, तो ये सिंबल आप लोग को ध्यान में रखना है ताकि आप लोग इजीली समझ सकते हैं। और ये 40 एम्पियर का है, और ये जो है आप लोग देखेंगे पूरा इसका यहाँ पे जो है डिटेल लिखा हुआ है। तो इस पर 40 एम्पियर लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो CA कमर्शियल टाइप का, ये जो है इसका टाइप बताता है कि कमर्शियल है, ABC कैटेगरी वाइज रहता है। तो C जो है कमर्शियल में यूज़ किया जाता है। इसमें जो है कुछ टाइमिंग रहता है MCB का, कुछ ज़्यादा टाइमिंग रहता है कि कुछ ज़्यादा सेकेंड में जो है ये ट्रिप होगा। तो कमर्शियल का, B का, ABC का, ऐसे जो है अलग अलग टाइप का जो है हमारा MCB होता है, तो टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाया हूँ, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, तो ये आप लोग पहचान लेंगे। फिर नीचे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी MCB है सेम वैसे ही, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये भी क्या है, MCB है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वही जो है अगर इस पर देखेंगे आप लोग तो ये MCB जैसा ही है, लेकिन आप लोग देखेंगे ये थोड़ा बड़ा है, और इसका सिंबल भी आप लोग देखेंगे तो चेंज हो गया है। आप लोग देख सकते हैं सिंबल जो है अलग है। तो ये क्या है, RCBO है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो RCBO है। तो ये RCBO जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसका नाम से आप लोग को पता चल जाएगा। इसको कैसे आप लोग पहचान सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारा RCB होता है RCCB, वैसे इस पर भी आप लोग देखेंगे ये 30 mA में, 100 mA में, ऐसे ही इसका रेटिंग दिया रहता है कि उससे ज़्यादा अगर लीकेज करंट होता है तो ये जो है ट्रिप हो जाता है। ये जो है MCB और RCCB जो होता है दोनों का काम करता है, इसमें दोनों प्रोटेक्शन मिलता है, रेसिडुअल करंट और ओवरलोड शॉर्ट सर्किट पे ये जो है काम करता है। इसके लिए जो है ये दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है, दोनों प्रोटेक्शन इसमें मिल जाता है। इसका सिंबल से आप लोग पहचान सकते हैं, और ये जो है रेटिंग आप लोग को mA में जैसे RCB पे मिलता है वैसे मिल जाता है। मैं आप लोग को RCB भी दिखाऊँगा। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे MCB लगा हुआ है, तो इसमें आप लोग अगर देखेंगे तो ये एम्स दिया है, लेकिन इस पर आप लोग देखेंगे तो एम्स भी दिया रहेगा और जो है mA में भी दिया रहेगा, दोनों रहता है। तो कितना एम्स का है, ये जो है C40 का मतलब क्या है कि 40 एम्पियर का है, और ये जो है 30 mA। तो ये अगर हमारा इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रल आप लोग को ज़रूर मिलेगा। MCB में आप लोग देखेंगे न्यूट्रल का कुछ भी नहीं है, एक आता है एक आउट होता है, लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे तो न्यूट्रल रहता है। आप लोग देख सकते हैं एक न्यूट्रल एक फेज रहता है, दोनों इसमें जो है रहता है। तो इसमें जो क्या होता है कि न्यूट्रल भी हमारा लगाया जाता है और फेज भी लगाया जाता है, ताकि जो डिफरेंस होता है लीकेज करंट वगैरह होता है तो उस पर ये ट्रिप करता है, ओवरलोड होगा उस पर ट्रिप करेगा। इससे जो है आप लोग नीचे भी देख सकते हैं पूरा जो है RCCBO लगा हुआ है। तो इसका दोनों फ़ायदा है, ये ओवरलोड शॉर्ट सर्किट और लीकेज करेंट वगैरह जो होता है उस पर दोनों पे जो है ये काम करता है। आगे जो है एक और पैनल है, उसमें RCCB लगा है, तो उसको भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वहीं जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो RCCB लगा हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इधर भी लगा हुआ है। तो ये जो है आप लोग देखेंगे तो 4-pole का है, आप लोग देख सकते हैं एक न्यूट्रल है और ये इसमें 3-phase है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल जरूर आता है, जैसे वहाँ पे देखे आप लोग उसमें न्यूट्रल था, इसमें भी न्यूट्रल है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं टेस्ट है, जब इस पर कर सकते हैं टेस्ट कर सकते हैं इसको, ट्रिप अगर हम लोग अभी दबाएँगे तो ट्रिप हो जाएगा, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो है हमारा सही कंडीशन में है नहीं है। तो यहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हैं, और इसका जो है आप लोग देखेंगे सेम जो है ये 25 एम्पियर का है और 30 mA है, यानी 30 mA, इसमें भी अगर ज़्यादा जो है हमारा लीकेज होगा करंट तो ये ट्रिप करेगा, सेम वैसे RCBO जैसे था वैसे। तो इसमें जो है ओवरलोड का प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन उसमें क्या था कि ओवरलोड का प्रोटेक्शन था।
तो इसमें क्या होता है कि लीकेज करंट पे ये काम करता है, लेकिन आरसी सीबीओ आप लोग देख सकते हैं ये दोनों पे काम करता है। इसके लिए इसका जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है आजकल, ज़्यादा जो एडवांस जो है ये है, दोनों को मिक्स करके बनाया है हुआ है, तो इसके लिए ये ज़्यादा यूज होता है। और इसका सिम्बल वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं सेम जो है एम सी बी जैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो एम सी बी जैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है। और इसको पहचानने के लिए सिंपल सा आप लोग देखें 4 पोल का है तो इसमें एक ही जो है नॉब है, एम सी बी में क्या था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीन तीन है और इसका टेस्ट बटन रहेगा। तो ई एल सी बी भी ऐसा रहता है, तो ई एल सी बी में क्या होता है कि हम लोग को जो है ग्राउंड डालना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है ग्राउंड नहीं डालेंगे तब भी हमारा काम चल जाता है। तो आजकल ज़्यादातर ई एल सी बी यूज नहीं हो रहा है क्योंकि उसके लिए ग्राउंड ज़रूरी रहता है, तो ग्राउंड नहीं रहेगा तब भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता चला होगा कि ये जो है तीनों कैसे पहचान सकते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोग को दिमाग में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।